नमस्कार, न्यूज एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देशद्रोह के कानून की जरूरत पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के सवाल उठाए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी में हिम्मत है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा सार्वजनिक रूप से दोहराएं। उन्होंने हालांकि ये नहीं कहा कि ये नारा राहुल गांधी ने लगाया था। रिलायंस अपने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत गुजरात से करेगी। कंपनी के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जियो और रिलायंस रिटेल का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। गुजरात के 12 लाख छोटे कारोबारी इस प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधित कई बीमारियां हो रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह का अभी हाल है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह शहर अब रहने लायक नहीं है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की सादगी के कई किस्से हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कर्मचारी भी कई बार गेट्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉस बता चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक फोटो गेट्स की सादगी के दावों को सच साबित करती है। इस फोटो में बिल गेट्स सिएटल के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े हैं, वह भी महज $8 के बर्गर फ्राई और कोक के लिए। अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा विवाद चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति सीमा पर दीवार बनाने की बात कह चुके हैं। वहीं एयरो मेक्सिको की राष्ट्रीय उड़ान सेवा ने अमेरिका में रहने वाले मेक्सिको मूल के लोगों को उनके देश आने पर फ्लाइट के किराए में छूट देने की बात कही है। छूट देने की इस योजना को DNA डिस्काउंट नाम दिया गया है। कर्नाटक के सियासी नाटक में नया मोड़ आ गया है। सूबे में राजनीतिक हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BS येदुरप्पा ने पार्टी के सभी विधायकों को वापस बेंगलुरु बुलाया है। कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के बीच इन BJP विधायकों को राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम के एक 7 सितारा होटल में शिफ्ट किया गया था। सूबे में कांग्रेस JDH गठबंधन और विपक्षी दल BJP एक दूसरे पर अपने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ही 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे, इस बात की पुष्टि वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने दी है। आपको बता दें कि जेटली द्वारा बजट पेश किए जाने को लेकर कई प्रकार की बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हो सकता है कि अंतरिम बजट उनकी जगह कोई और पेश करे। हालांकि शीर्ष सूत्रों ने ऐसी अटकलबाजियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक शिखर सम्मेलन में दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। उनकी होने वाली इस मुलाकात को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किम का राइट हैंड माने जाने वाले किम योंग चोल गुरुवार को अमेरिका पहुंचे और माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के शीर्ष जनरल किम योंग चोल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। सैंडीग्राम एस्टेट में 97 साल के प्रिंस फिलिप की कार हादसे का शिकार हो गई। राहत की बात यह रही कि इसमें प्रिंस फिलिप को चोट नहीं आई। बंगेम पैलेस और पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेताओं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच का मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए डेमोक्रेटिक नेताओं द्वारा फंड न दिए जाने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जाने माने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से का शिकार होना पड़ा। ट्रंप ने इस दौरे को रद्द कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए EMSTV। नमस्कार। Genuine Sales, Crompton Greaves के गीजर, पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। Genuine Sales, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड, भोपाल।